लो बच्चों लुगाई का आईफोन के कसूते चाटड़ रहे सवेरे सवेरे मेरे ती गुड़ाड़ी हल्दी चा बना के देती बोला मानस तेरती एक नंबर की चा प्या दी मेरा आईफोन ने चालू कर दे इतनी रील बना के गेर देनी इंस्टाग्राम ने ठाटा ठोक दूंगी। मैंने लुगाई थी फोन चालू करके दे दिया बार साजन पायलट ने नया काम टोलिया था कोच्चा नाम की मट्टी ला रहा था उसका कोच्चा मान ला रहा था अरे चू लिया मैं एक नंबर के कार्ड दिए थे काचे छोड़े ने बार अपना प्यारा मित्र सत्यवान आ जाता चा बना के पीने लग रहे थे इतने मजा आता है एक ऑनलाइन डिलीवरी वाला अपना एक ऑर्डर आना था रोक लेता उसको मारा कोई पार्सल नहीं ले रहा ना भाई ले और दे जा फिर परना के सूखा के जान देंगे इतना कीमत तो दे के जा। तीन चार दिन पहले अपन एक महंगा आइटम ऑर्डर करा था भाई डीजे के माइक मंगा रखे थे 30-40 हज़ार के आने थे मैसेज आ रहा था तेरे माइक आओगे बाढ़ देखने ला रहे थे भाई नाट जाता बिल हमको लेके आए मखा कोई बात ना भाई तू नहीं लिया तो तेरा को दूसरा भाई लिया सांस थी तो आने आने मैसेज मेरे दुरा रहा भीतर चलाता हूँ लुगाई थी कहता हूँ लुगाई चटनी बना लुगाई नाट जाती चटनी का कोई माल को नहीं मखा चटनी खतर माल थोड़ी चाहिए दिमाग चेला मैं बना के दूंगा प्याज टमाटर लसन हरी मिर्च रावड़ा गिर के चटनी तैयार कर देता हूँ मैं लुगाई नहीं मेरा तो सिर दुखने लगा माता जी को फोन करता हूँ माता जी चूल्हा रोटी खाने का प्रोग्राम आ जाओ फुर्सत तो मैं साजन को भेज देता हूँ माता जी को लेने के लिए जमा 5 मिनट में साजन माता जी लेके आ जाता है चूल्हा चाला बाहर काट कर रखा था आग उग जला रखी थी सारा सामान बाहर काट रखा था माता जी बैठ कर रोटी पड़ा शुरू कर देती है लुगाई ने पहले चून सुन कर तैयार कर रखा था सारा प्रोग्राम है आज माता जी ने मारते एक स्पेशल रायता भी खुआया भी उसका नाम रखा था डंगार कर रहा था कोयले के ऊपर घी घेर के उसकी खुशबू उठा दी कसूता है स्वाद रायता बना था भाई आमतौर पर जितनी रोटी खाया करते उस तो डबल खाई गई आज सारा रोटी टुकड़ा काम करने के बाद माता जी पूछती है बोला दिखाइए रे साजन तेरे वो ये तैयार हो गए कि भाई साजन देता सारे बोई पतले पतले बन रहे थे एक छोटी कमी छोड़ दी थी मड़ा ठा के देखता हूँ टूट जाता है मखा भाई साजन ये बोई आपने पतले बना दिए कम तक कम पौना इंच या एक इंच मोटे होने चाहिए थे जाते हैं टूटने ला रहे ना जी जाते कौन टूट दें टूटे यहाँ ले रहे सूखे पास चेन में 10 किलो लड्डू खा लिए कौन टूटे पूरा बोझ उठाएंगे इतना मैं अपने गोली ने बेरा पड़ जाता भाई चूल्हा बैठ के रोटी पौन ला रहे रोड खान ला रहे वो फोन मार देता बोला मैं तो परांठे खाऊंगा मैं क्या खाऊंगा बोला पनीर के परांठे खाऊंगा मैं लुगाई बना दे फिर पनीर के खाऊंगा तो लुगाई ने एक बार बुंडा मुंह बनाया परांठा नाम सुन के नहीं बोली तू रोटी क्यों नहीं खा लेता बोला रोटी कौन खाऊ परांठे खाऊंगा मैं भी पनीर के भी मान जाती है लुगाई ताड़ लग जाती है मखारा मैं कह दू तुम्हारा पाड़न ना हो तो छोरन कह दू ताकत बना दिए इतने की मेहनत कितनी करा माता जी हो 12-13 घंटा सोना पड़ा चमकन खातर कोई जी जानी पड़ेगी अगर जो तेने पूरे पोपो कर तेरे पूरे कर दे इससे पर की कोई और आगे ना माता जी चुन चुन में घर तक काट देंगे फिर काट देंगे कमाओगे खाएं जाएंगे बचेरे किले किले बचेरे कत से काट के बोली चोखा किले बचेरे है ना मारेगा तू तो जब कसी कितने दिहाड़ी करता और ना माता जी कितने सड़क पर तसले गिरता हो आज हमारी प्यारी बेटी की हल्दी की रस्म थी उसमें कितने चंद आओगे उखड़ मुसल धर देते भीतर जाकर देखते माँ के माल बनाने ला रहे भाई तैयारी पकड़ ला रहे किस टाइम तू रोटी तैयार कर दो बोला भाई सब सामने तैयार करते हैं 4 बजे तीन रेडी रही हो खा भाई हो खान खातर तो हम 24 घंटे तैयार रहो रात ने 2 बजे उठा के न्यू कर देने आज भाई साहब हलवा खा ले खीर खा ले हम जब भी चमची लेकर मर जाए गद्दा है गद्दे उखड़ मुसल धरने के बाद हम लोग निकल लेते भी आज जाना था मैंने लाडवा गांव में मारा एक बहुत ही प्यारा मित्र आ रहा था उसने एक नया काम छेड़ रखा था भाई पराली तो कोयला बनाया करता मखा भाई आवांगे तेरा काम भी देख के जाऊंगे आए लो भी कर लाए फटाफटाई भी हो जाएगी इन्हें फैक्ट्री की लोकेशन भेज दी थी गूगल पर लोकेशन लगा के निकल लेते भाई गलत गाल में बाढ़ देता घनी भीड़ी गाड़ थी एक बहुत ही प्यारा फ्लोर मिल जाता उसने रास्ता बता भाई पहुंच जाते हैं भाई की फैक्ट्री में आए पानी पियाने के बाद भाई ले जाता भाई फैक्ट्री के अंदर दिखाता हमारे को कैसे पराली तो कोयला बनाने ला रहा है मखा भाई साहब कोयला तो काला हो जा रहा है तो धोड़ा है बोला भाई जिसने व्हाइट कोल बोले हैं भाई ने मारती सारी फैक्ट्री दिखाई भाई क्यों ऑपरेशन दिखाया मखा भाई यो तो एक नंबर का काम कर दिया भाई पराली तो घनी बड़ी समस्या था हमने तो यह समस्या हल कर दी सारी फैक्ट्री में कहा के बाद भाई ने अपने प्रोडक्ट दिखाए भाई कई डाल के प्रोडक्ट तैयार करा था भाई पतले भी थे मोटे भी थे आधे बिजले भी थे भाई जान लग जाते हैं चाय पानी होका पीने के बाद बोला भाई नहीं जाना एक पौधा भी लगा के जाना पड़ेगा मेरी फैक्ट्री में ले जाते हैं पौधा लगाने के लिए यहाँ पे भाई ने बताया कि हम पौधे लगाने के एक स्पेशल मुहिम चला रहे हैं आज तक हमने 17-18 हज़ार पौधे लगा लिए बात सुनकर और दिल राज्य हो जाता है मखा एक तरफ तो हम पराली ने जाना था बचा के भाई एटमोसफेयर ने बचाने ला रहे दूसरी तरफ पेड़ पौधे लगा किसने बढ़ाने भी लग रहे मैं इस काम ने रोक मत दियो भाई अगत आड़ा तल लेकड़े तो भाई फोन आ जाता है अमेजन के डिलीवरी बॉय का हमने एक ऑनलाइन ऑर्डर लगा रखा भाई महंगा आइटम है 30-40 हज़ार का उसकी डिलीवरी लेकर भाई आ गया था मखा भाई थोड़ी आंटी रुक जाए मान ला रहे 5-10 मिनट पहुंचे भाई खड़ा होकर बाहर देखता हुआ 5-4 मिनट में हम पहुंच जाते हैं भाई थी अपन ओटीपी दे दिया भाई ने मारा था पार्सल दे दिया खोल के देखते हुए पार्सल के अंदर तो निकलती है एक ताश की डब्बी रुपये एक निकलता है पत्थर यो तो बुलाओ भगवान का भाई हमने डिलीवरी बॉय का आग गए सारा सौदा खोल लिया उसका आग गए चीज निकल जाते हुए फोन करता हूँ कस्टमर केयर को फोन करता हूँ भाई 100 नंबर पर फोन करता हूँ मां धोखाधड़ी होगी जी जो आइटम हो 30 हज़ार का जी जो भाई लाइव खड़ा है इसका आग खोल लिया हमने लाइव वीडियो बनाई हमने इसकी सही है और इसके अंदर निकला जी पत्थर और ताश की डिब्बी नहीं इसकी है ये तो बढ़िया कंपनी है पैसा अपना एडवांस डाल लिया जी इसमें अब ये सोने पड़े हैं मेरे आपके सामने ही पड़ा है मेरे सामने तो वीडियो भी बनाई है अच्छा जान नहीं दिया जी महंगा आइटम है साहब यो तो ज्यादा पाँच छह कोना भरेगा इसके सामने आपने खोला है हाँ इनके सामने खोला जी ये साथ में गवाह है
इसमें या ताश की डिब्बी लकड़ी है और एक पत्थर लकड़ा है, दो चीज लकड़ियां आपके सामने ही खुदा सीन दो को आप हो गए जी, एक ये हो गया बस अपना आपको बुलाने का इतना मोटो था ये कंपनी बदमाश है भाई, लोग ना मंगवा, लोग तो इतना मतलब मंगाने लग गया आजकल के जिसका कोई हिसाब नहीं, या करी करे तो कोनी मैं इस तरह ये पहली बार देखा है, इसीलिए इन कंपनियां बड़ी कंपनियां तो मंगाया करते इनका तो बार आएगा ठीक ठाक देंगे हाँ। उसके बाद भी शुक्र मानो ये लाइव पढ़ लिया सब तो बढ़िया बात है, पढ़ लीजिए चार दिन का नाम ले जी, हम इसको इन्वेस्टिगेशन करांगे फिर आपने बताओगे, चार दिन का टाइम ले लिया उसके बाद भी ये एश्योर करा ना आदमी ने भी ठीक है कोई नहीं गलती है, मैंने बताया थारा डिलीवरी मैन साथ में खड़ा उसका आगे खोल लिया साथ साथ खोलते खोलते लाइव उसका आगे गिर दिया, कल नकूल आना ना आज मारा तो जिंदगी में पहली बार भाई सोनम वाली पुलिस वास्ता पड़ा था, मैं 5 मिनट पुलिस वाले भाई आगे बार बार धन्यवाद देता हूँ भाइयों का मखा भाई देश सच्चे बदलने लग गया, हमारा डेवलप होने लग गया, चीते जैसी फुर्ती है, चीते जैसी सिंघम, बाज की नजर, चीते की चाल, और क्या था उसका बाकी सारे जानवर वाले आइटम। अब जो ये पुलिस वाले भाई आए थे उन्होंने अपनी सलाह दे दी, बिलाजी थाने में जाकर लिखित रिपोर्ट दिया, मां कोई बात नहीं भाई जी चले जाते चाय पीने के बाद हम लोग निकल देते भाई थाने के लिए रास्ते मिल जाता है, बहुत ही प्यारा फ्लोर भाई के साथ आया लोग करता हूं और पहुंच जाता हूं थाने मारा जाते हैं, भाइया ने बताया बिलाजी लिखित रिपोर्ट लिया कैसे कैसे वक्त ऑर्डर कराया कितने रुपये देते सारा सुधा कागज पर लिख के लाओ, ठीक है भाई जी लिख के लाता हूं वापस निकल लेता हूं, आज हमारे एक भाई की एनिवर्सरी उसके लिए गिफ्ट लेना चला जाता हूं गिफ्ट दुकान पर, और दुकानदार भाई भी अपना प्यारा फ्लोर निकलता है, बोला भाई साहब मैं मेरे डैडी जी दोनों सुबह उठते आपके व्लॉग देखा करा बार बार धन्यवाद देता हूं भाइयों। इसके बाद मैंने भाइया बताया भी ऐसे ऐसे मखा मारा प्यारा तिवारी जी की मैरिज एनिवर्सरी है भाई बढ़िया गिफ्ट दे दे, मैंने भाइया खातर भाई ने एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दे दिया, पैक कर दिया निकल देते पहुंच जाते हैं राका के दफ्तर पड़ा, राका मिलता नहीं कई भाई और मिलते उनके साथ आए लो करता हूँ, इतना मैं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र वर्मा जी का फोन आ जाता है, बोला छोरी का प्रोग्राम चलाने वाला तू कड़ा हंड है, मखा भाई साहब ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया भाई उसकी रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, बोला तू छोटा रिपोर्ट रपोर्टा ना इतना मैं मंगा के दे दूंगा, मैं एक तुम्हारा आ जा फटाफट पहुंच जाता हूँ हल्दी वाले प्रोग्राम में, मेरे जी में तो नाचने की थी पराड़ कोई मानस नाचने नहीं लग रहा था इतनी लुगाई हम बढ़कर नाचना मेरे बस की बात नहीं थी, मां पुष्पा तू तो नाच ले तेरा सीन बना दो बार खड़ा खड़ा थोड़ी देर यहाँ खड़ा होकर भाई इंजॉय लेता हूँ नाच गाने का, उसके बाद अपने प्यारे वकील भाई को फोन करता हूँ, मखा वकील साहब आजा तेरी जरूरत पड़ रही है भाई न्यू एप्लीकेशन लिखने, वकील साहब आ जाता है तुरंत लिख देता एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख के निकल देता हूँ लोग थाने के लिए रास्ते में, वकील साहब ने बोला भाई न्यू क्यों नहीं देनी इसकी फोटो कॉपी भी करा ले चला जाता हूँ कॉपी की दुकान पर, दो तीन भाई अपने फ्लोर मिलते हैं भाइयों के साथ फिर आलो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ, एक एप्लीकेशन एक उसकी कॉपी लेके पहुंच जाते हैं हम लोग थाने में बताते हैं भाई को ऐसे ऐसे फ्रॉड होगा, भाई ने तुरंत रजिस्टर खोल दिया भाई लिखना शुरू कर देता भाई मेरी आख्या भरोसा नहीं हो रहा, मखा यो क्यों होने लगा थाने में जाते इतनी आराम से रिपोर्ट दर्ज होगी, थाना भाई ने रिपोर्ट दर्ज करके बकायदा मेरे एक रिसीविंग भी दी भाई थी बार बार धन्यवाद कर देता हूँ मैं निकल देता हूँ वापस वो जाते हैं घर पे अपना तिवारी जी की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने थी, माता जी लाग रही थी अचार गाल में जो अपन नींबू दिए थे उनका अचार गाल थी, धीरे धीरे सारे मानस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, सारा खान पीन का सौदा टेबल पर लाकर धर दिया, जिसने जो गिफ्ट देना था वो गिफ्ट दे दिया, केक को काट देते हैं एक दूसरे को केक खिलाते हैं आपस में सारे मानस केक काटते शुभकामना देते हैं तिवारी जी को, और इसी के साथ आज का लोग यही समाप्त करते हैं सारे बाण भाई की राम राम।